आपका वोट कौन सी पार्टी को जाएगा? यही है चौधरी कल्याण सिंह। आपका वोट किसको जाएगा? कल्याण सिंह। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि HBN से। आज हम आए हैं नगला बल्लभ में, जहां पे देखते हैं जैसे कि जिला पंचायत इगलास वार्ड नंबर 31 का चुनाव होने वाला है। तो HBN न्यूज के माध्यम से हम जानेंगे यहां के लोगों से कि इनका वोट किस कौन सी पार्टी को जाएगा और किस पार्टी का दबदबा यहां पे ज्यादा होगा। तो जानते हैं यहां के लोगों से बारे में जो अभी हमारे सामने हैं। दादा आपका नाम? मेरा मोहन सिंह है। यहां पे कौन कौन सी पार्टियां हैं? पार्टियां हम तो मतलब के बहुत सभ्य आदमी है, कल्याण सिंह के कोल्डवारे बहुत बड़ी आदमी है और पहले से उनका व्यवहार चला रहा है, उनके पास में बैठते उठते हैं, पहले से उनके पास में हम आते जाते हैं और उनका व्यवहार अच्छा है। हमारा वोट पूरा उन्हीं को मिलेगा। और आपको लगता है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो उनके बारे में इलेक्शन के बाद सोचेंगे वो? हाँ बिल्कुल सोचेंगे वो। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको? दिक्कत है नल के पानी की, सबसे ज्यादा नल के पानी की। हाँ भैया आपका नाम? राहुल। यहाँ पे आपका वोट कौन सी पार्टी को जाएगा? यही है चौधरी कल्याण सिंह। आपको इनसे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है इनसे नल की, नल नहीं है, पानी की दिक्कत हो रही है। तो आपने इससे पहले नहीं, जो अभी तक जो थे यहाँ पे उम्मीदवार, उनसे आपने इस चीज के लिए नहीं बोला? बोला था, उन्होंने करा नहीं। अभी कौन है यहाँ पे है? अभी कौन है? अब तो वो है चीजू प्रधान जी। तो उन्होंने ये चीज आपको नहीं कराई नल की? ना कराई, कह के रह गए पर उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं करी। क्यों कहते नल आई ना रहे? नल तो आते हैं, सब सुविधाएं होती है, पर हमारे गांव में कोई तरक्की ना कराई प्रधान जी ने। तो आप अब आपको कल्याण सिंह जी से उम्मीद है? उम्मीद है सर, हाँ कर दिए उन्होंने। आपका वोट किसको जाएगा? कल्याण सिंह। यहाँ पे जिन भी लोगों से बात की उनका वोट कल्याण सिंह को जाता है, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है तो उनसे बात करते हैं कि उनका वोट किसको जाएगा। जी मेरा वोट राजू। आपका वोट किसको जाएगा? चौधरी कल्याण सिंह प्लस संजय चौधरी पत्नी, क्यों वो सभ्य आदमी है, व्यवहारिक और कार्यकर्ता आदमी है, जो कर्म और सुशील आदमी है, उनके लिए जा रहा मेरा। आपको उनसे उम्मीद है कि जो यहाँ पे समस्या है वो उनको पूरा करेंगे? हाँ मुझे उम्मीद है उनकी समस्या, मेरी समस्या वो पूरा करेंगे जी।